नमस्कार दोस्तों, खबर एक्सपोज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। खबर हम आपको बता देना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के बोरगांव बुजुर्ग में दो सोने चांदी की दुकानों में हुई बड़ी चोरी की वारदात के सिलसिले में गिरफ्तार चार आरोपियों से खंडवा पुलिस की पूछताछ में कई खुलासे हो रहे हैं। पूरे मामले में गुना जिले की अंतर्राज्यीय पारदी गैंग पुलिस के हत्थे चढ़ी है। पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने गैंग के सरगना रुपेश पारदी का नाम उगला है, जो रतलाम का निवासी है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक बोरगांव बुजुर्ग में चोरी की योजना रुपेश पारदी ने ही बनाया था, जो अक्सर पेशी के सिलसिले में बुरहानपुर आता जाता रहता था। जून 2023 में रुपेश को बुरहानपुर की शिकारपुरा पुलिस ने पकड़ा था। बोरगांव बुजुर्ग की ज्वेलरी दुकान देखकर उसने चोरी की वारदात को अंजाम देने की योजना पर काम शुरू कर दिया था। पारदी गैंग को इकट्ठा कर पूरी प्लानिंग तैयार कर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था। घटना के बाद सामने आए सीसीटीवी फुटेज में नौ चोर नजर आ रहे थे, लेकिन पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने खुलासा किया है कि गैंग के 11 सदस्यों ने मिलकर बोरगांव बुजुर्ग की वारदात को अंजाम दिया था। दो बदमाश दूर खड़े रहकर नजर रख रहे थे। गुना जिले के खेजरा और मातापुर में पारदी बस्ती में इस कुख्यात गैंग के अधिकांश सदस्य रहते हैं। बोरगांव की दो ज्वेलर की दुकान में चोरी के कुछ घंटे बाद ही खंडवा पुलिस ने जिले के नर्मदा नगर के जंगलों से गैंग सदस्य जाहिद पिता इकबाल खान, फरहान पिता अब्दुल जाहिद खान निवासी करनालगंज, संदीप उर्फ द्वारपाल पिता बाबू निवासी मातापुर और नरेंद्र पिता श्री किशन पारदी निवासी खेजरा जिला गुना को पकड़ा है। तीन दिन की पुलिस रिमांड मिलने के बाद पंधाना पुलिस की टीमें आरोपियों से लगातार पूछताछ में जुटी है। गैंग के अन्य सदस्य, उनकी लोकेशन और अन्य वारदातों के संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है। बताया जाता है कि हरदा सहित कई अन्य जिलों की पुलिस भी अपने यहां हुई ज्वेलरी की दुकानों में चोरी के मामलों के सिलसिले में गिरफ्त में आई पारदी गैंग के सदस्यों से पूछताछ के लिए खंडवा पुलिस से संपर्क कर रही है। हमारी इस खबर में फिलहाल इतना ही। हमारी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल खबर एक्सपोज को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद। नमस्कार।